हेलो बोल रहे हैं आप सब भाई ना, देख रहे हैं newsbush360.com और हमारा नाम है वैशाली। आज ना हम आप सब लोगों को एक ठो गाना सुनाना चाहते हैं। चक दिली मार दिली खींच के तमार ही हंस दिल रिंकिया के पापा। इमेज समझिएगा कि हम ये गाना गाए हैं तो लोग फेंक के मारे हैं। का है ना, कंपटीशन का इतना जमाना है कि हम अपना खबरी से बोले एक ब्रांड न्यू तरीका निकाले हैं। तो कहे हैं जब भी गाना गाए ना तो ऐसा खबर भेजिएगा। पढ़ते हैं का भेजें। आलिया नहीं दे पाएंगी वोट, कहे पास। अच्छा आपको पता है ये लोकसभा चुनाव में आ रहा है ना जो भाई, उनमें आलिया वोट नहीं दे पाएंगे कहे कि उनका पासपोर्ट का प्रॉब्लम है ना। अरे आलिया, वोट देने के लिए पासपोर्ट का जरूरत थोड़ी होता है, उनमें तो वोटर आईडी लगता है। मजाक कर रहे हैं। कहा है ना आलिया का पासपोर्ट जो है वो ब्रिटिश का है, उनकी अम्मा का भी पासपोर्ट ब्रिटिश का है। कह रही थी वैसे भारत का दोहरा नागरिकता लेने का। सबसे पहले ना आलिया के लिए बजाइए तालियां। कहा है कि भारत में दोहरा नागरिकता देने का प्रावधान है ही नहीं। दूसरा खबर कहाँ। अच्छा आपको एक बात बताएं, वो है ना साउथ का हीरो, का नाम है उनका, अरे वही जी को कटप्पा मारे थे। महेंद्र बाहुबली। हाँ यही, उनका नाम भूल रहे हैं, प्रभास। हाँ अब भाई इंस्टाग्राम पे डेब्यू कर रहे हैं और आते ही बिना फोटो बिना पोस्ट के 7 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। बहुत अच्छे लगते हैं हमको प्रभास। दूसरा खबर पढ़ के बताते हैं। भारत का पो, हाँ सलमान है ना भाईजान, आप सभी का हमारे भाईजान थोड़ी हैं। उनका ना भारत का पोस्टर बिल्कुल अब भाई ब्रांड न्यू पोस्टर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है। और पता है कैप्शन का डाले हैं, जितना सफ़ेद बाल हमारा सर और दाढ़ी में दिख रहा है ना उतना ही रंगीन हमारा जिंदगी रहा। वैसे आपको एक बात बताएं, पहले ना भारत में सलमान खान के ऑपोजिट प्रियंका चोपड़ा नजर आने वाली थी, लेकिन उनको कहाँ अब भारत में इंटरेस्ट है, इसलिए फिर कटरीना कैफ को ले लिए। वैसे हमको तो सलमान खान बहुत ही पसंद है, हम तो ज़रूर देखेंगे। हम तो सुने हैं कि भारत का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है 24 अप्रैल को, ज़रूर देखिएगा। कहाँ फेंके और खबर। स्टूडेंट ऑफ द, हम बता रहे हैं करण जौहर है ना, उनका प्रोडक्शन में दूसरा स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन रहा है। उनका ट्रेलर आ गया, ऐसा ऐसा मीमीज बन रहा है। जैसे ही ट्रेलर आया लोग ऐसा मजाक उड़ा रहे, कहे कि ट्रेलर तो एकदम ही बकवास था, किसी को पसंद नहीं आया। देखना चाहते हैं मीमीज तो देखिए ना। अब मूवी कैसी भी हो ट्रेलर कैसी भी हो इससे हमको मतलब नहीं, लेकिन मीमीज देख के तो हमको बहुत ही मजा। फिर से खबर भेज दिए, कौन है ये? ये तो राम शरण का लड़कवा है, बदमाश बता कर आते हैं इसको। हाँ आप देखते रहिए newsbush360.com खबरें अलग अंदाज में। जयराम जी के।